टीम के साथ दोबारा खेलने के लिए, बिकॉज इज द सेकेंड टाइम मैंने अपनी टीम चेंज नहीं की है, बिकॉज आई थिंक जो पॉजिटिविटी है, जो बॉन्डिंग है हमारी टीम में वो बहुत ही अच्छी है. नंदिश और मृणाल जो हर किसी को एक बना के रखते हैं, सो मैंने दूसरी टीम ट्राई भी नहीं की है, बिकॉज आई डोंट वांट टू नो. और वो खुद एक यू नो दे बीइंग द एक्टर्स, उनको एक्टिंग का क्या है, एज एन एक्टर दे अप्रिशिएट एंड सब बहुत प्यार से रखते हैं, दे वेरी काम एंड स्वीट ओनर्स आई कैन से. लास्ट टाइम जो है टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, इस बार कुछ प्रेशर होगा इस बात को लेकर कि अच्छा करना है? लास्ट टाइम भी सरप्राइजिंगली फॉर अदर्स कि हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए, इस बार भी हम वही मेंटेन करना चाहते हैं, सरप्राइज रखना चाहते हैं, ट्रॉली घर ले जाएंगे. अच्छा, क्या कुछ प्रिपरेशन शुरू कर दी है या शुरू करने वाले हैं? हम जी हाँ, कल के बाद हमारी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से शुरू होगी, बिकॉज अभी हम सब ऐसे खेल रहे थे, बिकॉज प्रैक्टिस मैच एक हुई हमारी जिसमें हम हार गए. सो विच इज़ गुड, क्योंकि अगर जीत जाते तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो शायद हम अपना प्रैक्टिस में टाइम नहीं देते हैं. तो जहाँ से 7-8 लोग आ रहे थे, वो हारने के बाद 14 लोग थे. सो ये चाहिए था, विच आई एम हैप्पी कि ऐसा हुआ है. एंड या वी आर गोइंग टू वर्क हार्ड एंड रीच वेयर वी हैव टू. सही, मुझे क्या लगता है, एज एन एक्टर अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगी तो कोई और परफॉर्म करेगा. सो एज एन एक्टर आप मुझे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी नहीं नहीं, बिकॉज मैं ऐसी हूँ, मैं बोलती नहीं यार किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए, सो आई विल नॉट डू इट. बट एज एन एक्टर अगर वो चैलेंज मैं नहीं लेती तो कोई और ले लेगा. सो आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगा, बिकॉज किकू ने एज अ ब्रिलियंट एक्टर फाइनली आई नो हिम वेरी वेल, वी आर फ्रेंड्स. मैंने जब उसको झलक भी किया है, मैंने गेम इन कपल, आई वॉज वेरी हैप्पी एज अ किकू. आई एम सो हैप्पी टू यू दैट यू रीच टू अ लेवल, जो उसने बहुत वर्क हार्ड किया है, रियली वर्क हार्ड वो वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो बीच में कोई फिल्म में उन्होंने सरोजी का किया था, विच आई पर्सनली वॉज अपसेट, कि मैं सरोजी मेरे मास्टर है. सो बट मैंने किकू को फ़ोन करके ही नहीं बोला कि तूने ये क्यों किया, क्योंकि वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा. इफ़ इट्स मेंट टू बी समबडी विल डू इट. सो एज एन एक्टर आई डोंट थिंक सो आप किसी पे पिक कर सकते. मैं किसी को अभी मिमिक्री करूँ और मुझे पकड़े वो आके, जो मुझे प्रोड्यूसर ने किया है, ऑन स्क्रीन राइटर ने लिखा है, इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग समबडी एल्स डू. सो एक्टर्स यस, यू कैन नॉट डू दैट टू एक्टर्स. या किकू आई एम विद यू ऑलवेज. थैंक यू, थैंक यू, एंजॉय.